लॉकडाउन के कारण मजदूरों को काम नहीं है। इसी बात को ध्यान में रखकर एक गरीब पति पत्नी ने 21 दिनों में 25 फुट गहरा कुआं खोदकर पूरे गांव को अचंभित कर दिया। ये मामला महाराष्ट्र के वाशिम जिले में सामने आया। वाशिम जिले के मनोरा तहसील के कारखेड़ा गांव के गजानन पकमोड़े मजदूरी कर अपना घर चलाते हैं। लॉकडाउन के कारण काम पर नहीं जा सकते थे, घर में बैठे बैठे कहीं आलसी ना बन जाए ये सोचकर गजानन और उनकी पत्नी ने घर के आंगन में कुआं खोदने की ठान ली और दोनों पति पत्नी कुएं के खुदाई में लग गए। गांव में उनके दोस्त और नजदीकी लोगों ने उनकी सोच का मजाक उड़ाया, लेकिन दोनों की 21 दिन की मेहनत रंग लाई और 25 फुट खुदाई करने के बाद कुएं में पानी दिखा। इस वाक्य पर गजानन पकमोड़े ने कहा कि कल तक गांव के लोग जो उनका मजाक उड़ा रहे थे वही आज उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। उन्होंने कहा, कोरोना है इसलिए बाहर नहीं जाते, हमने विचार किया कि कुआं खोदते हैं। पत्नी ने पूजा अर्चना की, सब गांव के लोग हंसने लगे थे। हम दोनों ने कुएं की खुदाई शुरू कर दी। 21 दिन लगे हमें कुआं खोदने में और उसमें पानी आ गया। हमारे गांव की नल योजना भी बंद है, इससे अब राहत मिलेगी। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।